Hello and welcome to another episode of Tone Your Body. As you know, every week we discuss a new exercise. लेकिन आज की एपिसोड थोड़ी डिफरेंट और इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज का टॉपिक है बैक पेन या लोअर बैक पेन, जिसमें मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचेज जिससे आप इस पेन को ख़त्म कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये एपिसोड सिर्फ उनके लिए नहीं है जो लोग जिम जाते हैं, क्योंकि एक ऐसा इशू है जो आजकल बहुत ही कॉमन है। ना सिर्फ 40 प्लस एज ग्रुप के लोग, इवन के यंगस्टर्स भी इससे सफ़र हो रहे हैं। एक तो हेल्दी डाइट ना खाने की वजह से बॉडी इतनी स्ट्रांग ही नहीं है, उसके बाद बैड पोस्चर या फिर जिम में गलत फॉर्म के साथ वेट लिफ्टिंग करने से ये पेन हो जाती है। तो अगर तो आपको भी ये पेन है ना, तो आपने इसको लाइटली नहीं लेना, आप अपने डॉक्टर को चेक करवाएं, क्योंकि बल्जिंग डिस्क L1, L2, L3, L4, L5 आपको कोई भी इशू हो सकता है। और स्वेयर केसेस में ये इतनी पेनफुल हो जाती है कि बॉडी की मूवमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और शॉर्टी का पेन भी इसी से ओरिजिनेट होती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जिनको परफॉर्म करने के लिए आपको कोई रॉड, कोई वेट, कोई डंबल, इवन जिम जाने की भी जरूरत नहीं है। आप घर में इसको परफॉर्म कर सकते हैं और इस पेन को ख़त्म कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल और इजी है। इसमें आपने उल्टे लेट जाना है ज़मीन पे, और अपने शोल्डर के अराउंड आपने अपने हाथ रखने हैं और अपनी अपर बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करना है। इसमें आपकी लोअर बॉडी अपनी जगह पर रहेगी, लेकिन अपर बॉडी को आपने हल्का हल्का पुश करना है। अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा है तो आप शायद ज़्यादा ऊपर ना जा सकें, लेकिन आपने एक स्टेबल पोजिशन तक जाना है जहाँ तक आपको ज़्यादा पेन फील ना हो। लेकिन इसमें आपने मेक श्योर करना है कि आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहे, आपने स्लाउच या कुब नहीं निकालना, उससे आपकी लोअर बैक के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम है क्वाड्रप्ट आर्म लेग रेज। इसमें आपने ऐसे करना है कि आपने काओ या डॉग पोजीशन पे आ जाना है, और उसके बाद आपने अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है, और आप अपना राइट हैंड और लेफ्ट लेग को, राइट हैंड और लेफ्ट लेग, इनको आपने ऊपर की तरफ थोड़ा थोड़ा पुश करना है। आपको लोअर बैक पे आपके फील होगा प्रॉपर, और आपने इसको यहाँ पे ला के इस पोजीशन पे थोड़ी देर होल्ड करना है। और इसके बाद आपने अपने लेफ्ट हाथ और राइट लेग को उठा के यहाँ पे थोड़ी देर पॉज करना है। आपको प्रॉपर अपनी बैक में फील होगा कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और वहाँ पर आपको फील हो रहा है। हमारी थर्ड एक्सरसाइज का नाम है स्टैंडिंग हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। इसमें आपने स्ट्रेट खड़े हो जाना है, और आप अपने एक लेग को किसी भी, आप कोई बेंच ले सकते हैं, कोई स्टूल ले सकते हैं, और आपने उसके ऊपर अपनी लेग को रख लेना है। बट मेक श्योर कि आपके नीज बैंड ना हो, आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है अपनी लेग्स को, और उसके बाद आप यहाँ पर कुछ देर के लिए होल्ड करके रखें, और इसी तरह आपने पॉज दे के फिर अपनी लेग शिफ्ट करनी है, और आपने दूसरी लेग के साथ भी इसी तरह एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। व्यूअर्स, नेक्स्ट स्ट्रेच का नाम है सुपरमैन स्ट्रेच। ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। आपने इसको परफॉर्म करने के लिए आपने ज़मीन पर लेटना है, और उसके बाद अपने दोनों आर्म्स और दोनों लेग्स को ऊपर की तरफ आपने पुश करना है। जितना आप ज़्यादा पुश कर सकती हैं आप उतना ज़्यादा पुश करें। और इस एक्सरसाइज का आपको एडवांटेज भी है कि इस पर आपके बेली फैट्स भी बर्न होते हैं। आपकी जितनी भी लोअर बैक की एक्सरसाइज हैं वो आपके पूरे कोर को हिट कर रही होती हैं, तो ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। लेकिन अगर परफॉर्म करते हुए आपको मुश्किल लग रहा है तो आप वन बाई वन भी कर सकते हैं। लाइक आप पहले राइट हैंड करें और उसके बाद आप लेफ्ट साइड करें, तो इस तरह आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें, और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। जो नेक्स्ट और फाइनल जो हमारी एक्सरसाइज या स्ट्रेच है, उसका नाम है काओ एंड कैमल स्ट्रेच या कैट एंड कैमल स्ट्रेच। इसमें आपने डॉग या कैट पोजीशन में आ जाना है, अपनी बैक को आपने स्ट्रेट रखना है, और आपने अपने लोअर बैक वाले एरिया को नीचे की तरफ पुश करना है, और वहाँ पे आपने कुछ देर के लिए होल्ड करके रखना है। इसके बाद आपने ब्रेक लेनी है, और इसके बाद आपने कैमल पोजीशन में आना है, और आपने अपनी बैक को ऊपर की तरफ पुश करना है, और कुछ देर यहाँ पर भी होल्ड करना है, और ये आपकी एक्सरसाइज कम्प्लीट होती है। गाइस, इन एक्सरसाइज को आप 10 टू 15 सेकंड्स के लिए परफॉर्म करें, उसके बाद आप 5 टू 7 सेकंड की ब्रेक लें, और कोशिश करें कि डे बाय डे इस टाइमिंग को आपने इंक्रीज करना है। और जिनको पेन बहुत ज़्यादा है वो दिन में 2 टू 3 टाइम परफॉर्म करें, और ये काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज है, आपको कुछ ही दिनों में रिजल्ट्स मिलेंगे। तो
तो आई होप कि ये एपिसोड आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो नेक्स्ट एपिसोड में न्यू एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। इट्स फॉर नाउ, बाय बाय। Thank you.